नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमएफ फार्मिंग यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो है फार्म ट्रैक 60 सुपर मैक्स की। जी हां दोस्तों, T20 स्पीड के साथ 55 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर जो कंपनी ने रिसेंट में लॉन्च किया है, इसके बारे में आज हम आपको जानकारी देंगे। बहुत ही शानदार ये ट्रैक्टर अपने आप में, अगर आप इसको देखेंगे तो आपको जरूर पसंद आएगा। जी हाँ दोस्तों, फार्म ट्रैक अपनी पावर के मामले में सबसे आगे रहा है। फार्म ट्रैक की लाइफ की बात की जाए तो बहुत ज्यादा इन ट्रैक्टर्स की लाइफ होती है। दोस्तों ये ट्रैक्टर 3 सिलेंडर के साथ आता है। आप इस ट्रैक्टर में 20 गियर या फिर 10 गियर दोनों ऑप्शन ले सकते हैं। मल्टीप्लेट ऑयल इमर्स्ड ब्रेक इस ट्रैक्टर के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। और ट्रैक्टर की लुक की बात की जाए तो दोस्तों फार्म ट्रैक ने अपने फार्म ट्रैक 60 के अंदर बहुत ही जबरदस्त लुक यहाँ पर एड की है। 7,50,000 रुपये इसका प्राइस है। और कोई एक्सचेंज ऑफर इसके ऊपर नहीं है? अच्छा। और ये T20 20 स्पीड गियरबॉक्स है, पहले 20 में आता था, यह भी आया है? नया लॉन्च हुआ है। तो दोस्तों ये क्लासिक प्रो के नाम से जो ट्रैक्टर आता है, ये अभी नया ट्रैक्टर कंपनी ने लॉन्च किया है। इस ट्रैक्टर के अंदर हम आपको जो दिखा रहे हैं, ये एक नई लुक में आने वाला ट्रैक्टर है। इसके अंदर आपको हीटिंग गार्ड मिलेंगे। यहाँ पर गियर्स की बात की जाए तो दोस्तों इसमें हाई, लो और मीडियम गियर भी दिया गया है, जो कि T20 का एक स्पेशल फंक्शन होता है। हाई लो के बीच की स्पीड इसके अंदर दी गई है दोस्तों, जिसके द्वारा हम अलग अलग इम्प्लीमेंट्स को, रोटावेटर को अपने हिसाब से चला सकते हैं। फार्म ट्रैक ने इस फार्म ट्रैक 60 ट्रैक्टर के अंदर ये टेक्नोलॉजी बहुत ही खास दी है। अगर इस ट्रैक्टर के बीच के स्पेस की बात की जाए तो दोस्तों आपको यहाँ पर प्लान प्लेटफॉर्म तो नहीं मिलेगा, लेकिन वही पुराने फार्म ट्रैक वाली लुक के साथ आपको ये बीच का सिस्टम मिलेगा। दोस्तों काफ़ी अच्छा है। इसके ऊपर यहाँ पर प्लास्टिक के मैट्स लगाए गए हैं कंपनी द्वारा। ड्यूअल क्लच आपको यहाँ पर मिल जाती है। ओवरऑल जो सिस्टम है, काफ़ी हद तक सुधार किया गया है इस ट्रैक्टर के अंदर। एक आपको चौड़ी कंफर्टेबल सीट दी गई है, साइड में PTO क्लच भी आपको यहां पर मिल जाती है। उसके साथ मजबूत यहां पर साइडों में मड गार्ड दिए गए हैं। ऊपर बैठने के लिए साइडों में बहुत ही खुला स्पेस आपको मिल जाता है। यहाँ पर साइडों में 4 गियर के साथ एक रिवर्स गियर आपको मिल जाता है। ड्यूअल डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाता है। और जो पैरों का प्लेटफॉर्म है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा देर तक किसान अगर इसके ऊपर काम करना चाहे तो आपको कोई थकावट महसूस नहीं होगी। अगर इसके ऊपर बैठकर फीलिंग की बात की जाए तो दोस्तों फीलिंग बहुत ही अच्छी आती है। इसका जो स्टेयरिंग है वो इस तरह से असेंबल किया गया है कि आप कार वाली फीलिंग इस ट्रैक्टर पर ले सकते हैं। सारे लीवर आपके हाथ के पास होंगे। अगर आपको कोई भी फंक्शन चलाना है तो आप अपने हाथ से सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। अगर PTO की बात की जाए तो दोस्तों इसके अंदर आपको 540 और रिवर्स PTO दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं। उसके बाद दोस्तों इस ट्रैक्टर में खास एक जो चीज़ दी गई है वो है इसका केयर बटन, जिसके द्वारा आप कोई भी समस्या अगर आपके सामने आती है तो आप डायरेक्ट कंपनी में कॉल करके उसके बारे में सॉल्यूशन जान सकते हैं। दोस्तों इस ट्रैक्टर के अंदर आपको डिफरेंशियल लॉक नहीं मिलेगा। हालांकि ट्रैक्टर के अंदर आपको छोटे मोटे बदलाव देखने को जरूर मिल जाएंगे। आपको इस ट्रैक्टर में फ्रंट ऑफ फेस जो पूरा का पूरा मीटर इसका देखने को मिलेगा। और उसके साथ साथ दोस्तों अगर हम ट्रैक्टर पे यहाँ पर नीचे की तरफ बात की जाए तो यहाँ पर हीटिंग गार्ड्स लगाए गए हैं ताकि आपके पैरों की तरफ गर्म हवा ना आ सके। बैक टायर आपको यहाँ पर 16x28 के देखने को मिलेंगे। साइलेंसर में भी छोटा मोटा आवाज़ में बदलाव किया गया है। नीचे की तरफ अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात की जाए तो दोस्तों आपको काफ़ी अच्छा इस ट्रैक्टर के अंदर ग्राउंड क्लियरेंस मिलने वाला है। ड्यूअल एक्टिंग स्टेयरिंग आपको यहां पर देखने को मिलेगा। ड्राई एयर क्लीनर इस ट्रैक्टर के अंदर यूज किया गया। इस ट्रैक्टर में आपको 3 सिलेंडर के साथ 55 हॉर्स पावर की ताकत मिलेगी। यहां पर इनलाइन पंप का यूज किया गया है 3 सिलेंडर के साथ। ये छोटा सा आई बटन आप देख सकते हैं जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, केयर बटन। यहाँ पे साइड में बैटरी रखी गई है दोस्तों, 88 AH की बैटरी इस ट्रैक्टर में रखी गई है। साइडों से स्पेस काफी ठीक ठाक है। बाकी लाइटों में यहाँ पर LEDs यूज की गई हैं। दोस्तों ट्रैक्टर के अंदर छोटे छोटे बदलाव करके ट्रैक्टर को काफी शानदार बना दिया गया है। यहाँ पर फ्रंट्स की हेडलाइट्स की अगर बात की जाए तो दोस्तों आपको यहाँ पर फ्रंट हेडलाइट्स में छोटी छोटी LEDs मिलेंगी, जो कि ट्रैक्टर को फ्रंट से बहुत ही अट्रैक्टिव बना देती है। हालांकि फ्रंट में आपको बम्पर नहीं मिलेगा इसके साथ, लेकिन
साइड से अगर लुक की बात की जाए तो दोस्तों साइड से थोड़ा सा इसका जो साइलेंसर है थोड़ा बड़ा दे दिया गया है, और थोड़ा सा अगर पतला साइलेंसर होता तो और अच्छी लुक बनती शायद। तो यहाँ पर आपको 16 के टायर मिलते हैं दोस्तों, जिनके अंदर आपको वेट नहीं मिलेगा। पीछे की तरफ से अगर बात की जाए तो ड्यूअल डिस्ट्रीब्यूटर के साथ आपको छोटा सा एक टूल बॉक्स भी मिल जाता है, और यहाँ पर EPI टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, जिसके अंदर सिंगल गियर के ऊपर 3 गियर चलती हैं, जो कि गियर बॉक्स की लाइफ को बढ़ा देती हैं। आपको यहाँ पर PTO मल्टी स्पीड रिवर्स PTO मिलेगा 540 चक्कर के साथ। ADDC सेंसिंग स्ट्रक्चर के अंदर आपको मिलेगी, जो कि 3-point लिंकेज सेंसिंग जिसे हम बोलते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी काम करने के लिए रात को तो लाइट मिल जाएगी, और पीछे की तरफ भी जो मेन लाइटें हैं वो भी आपको LEDs की तरह मिलेंगी। ओवरऑल अगर बात की जाए तो दोस्तों फार्म ट्रैक की तरफ से अच्छी क्वालिटी मेंटेन की गई है। दोस्तों कैसी लगी फार्म ट्रैक 60 पावर मैक्स की ये छोटी सी वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कोई सवाल या सुझाव है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।